प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस समय हम दूसरे योहन्ना की जो किताब है वह हम सुनने पर हैं, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरा योहन्ना जो है स्वयं प्रेरित योहन्ना ने लिखा है, और यह किताब लिखा गया है सन 70 से सन 100 के बीच में, और यह किताब जो है वहां के कलीसिया की महिला और बच्चों को लिखा गया, या तो फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि वहां की जो कलीसिया थी, जो व्यक्ति वहां की कलीसिया चला रहे थे, उनको यह किताब लिखा गया है। यह किताब हमें सिखाता है कि हम मसीह के प्रेम से एक दूसरों से प्रेम करें और मसीह के स्वभाव को थामे रहे और जो गलत शिक्षा है उन चीजों का खंडन करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना पूर्वक हम ये दूसरे योहन्ना के किताब को सुनेंगे। पिताजी, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके कृपा के लिए, आपके दया के लिए और आपके असीम प्रेम के लिए। प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का जो प्रेम है, आपका जो प्रेम है हमारे हृदय में, जो आपने उंडेला है प्रभु, उस प्रेम से हम अपने हर एक लोगों के साथ प्रेम कर सकें। प्रभु आप हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें। परमेश्वर आपकी बातों को जानने सीखने के लिए आप मदद और सहायता करें। आपने कृपा दया किया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी चीज़ें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारा मार्गदर्शन करें और सही प्रकाशन में चलने के लिए मदद और सहायता करें। आपने कृपा दया किया धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इस किताब को हम सुनते हैं। दूसरा योहन्ना अध्याय 1। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति हमारे साथ सत्य और प्रेम सहित रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हम सब ने किया है उसको तुम न खोना, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में सहभागी होता है। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और सम्मुख होकर बातचीत करूं, जिससे हमारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार करते हैं।